क्या आपके घर का गुजारा इससे चल जाता है? एक गुड़िया अगर वो 1200-1500 रुपए की अगर जाए तो उस हिसाब से तो एक लेबर की भी मेहनत नहीं पड़ती। इससे पहले भी कोई आपके जैसे माता जी या घर में कोई ऐसे बनाते? मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनको इंडिया में पहला नेशनल अवार्ड उन्हीं को मिला। तरह से आपको दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उसके बाद आपको कोई सहायता भी दी गई? नहीं, गवर्नमेंट से तो मैंने कोई सहायता भी नहीं ली है और वैसे भी नहीं। हाँ, मेले वगैरह जरूर मैंने किए। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाही शहर पटियाला में लगे हुए विरासती मेले में हर तरह का रंग देखने को मिल रहा है, चाहे वो कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों, बच्चों के खिलौने हों, झूले हों, चाहे कलाकारों द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन हो। लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जिन पर अलग ही तरह की संस्कृति देखने को मिल रही है। इनमें से एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर हम देख रहे हैं कि कपड़े की गुड़िया बनी हुई हैं और आप देखकर हैरान रह जाएंगी। ये कपड़े की गुड़िया हाथ से बनाई गई हैं, जीती जागती लगती हैं। इनको बनाने वाले रमा देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमा देवी जी को दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए पहले करते हैं उनका स्वागत। जी रमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कब से आप ये काम कर रही हैं, गुड़िया बनाने का काम कब से कर रहे हैं? मेरे को 55 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। और कितना समय लगता है एक गुड़िया को बनाने में? एक गुड़िया बनाने में 3 दिन भी लग जाते हैं, गुड़िया बनाने में एक गुड़िया बनाने में 2 दिन भी लग जाते हैं, गुड़िया बनाने में 1 दिन भी लगता है, 1 दिन में 2 भी होती हैं, छोटी बड़ी सभी तरह की हैं इसमें। और क्या मटेरियल यूज़ करते हैं आप इसमें? इसमें कपड़ा, गोटा, धागा, कढ़ाई सभी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हाथ के जो काम करने की चीज़ें, धागा, सुई धागा सभी काम आता है इसमें। और आप अब कहाँ से आए हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो वैसे तो मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में 70 साल से, तो मैं भी दिल्ली में रह रही हूँ, तो 70 साल से 55 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। और इससे पहले भी कोई आपके जैसे माता जी या घर में कोई ऐसे बनाते? मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनको इंडिया में पहला नेशनल अवार्ड उन्हीं को मिला था, बत्तोबाई जो है जी। उनको नेशनल अवार्ड राजपथ पर मिला था, सबसे इंडिया में जो पहला नेशनल अवार्ड उन्हीं को मिला था। और ये गुड़िया बनाकर आप बेचते हैं, अलग अलग जो भी मेले लगते हैं उनमें जाते हैं, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, क्या आपके घर का गुजारा इससे चल जाता है? नहीं, मेरा तो सभी कुछ इसी से किया, मेरा तो एक्सपोर्ट का भी काम रहा है ना, इससे अब तक एक्सपोर्ट ही करती थी और अब तो थोड़ा सा काम को थोड़ा कम करने लगी उम्र के हिसाब से, बस जो और आगे बच्चों को सिखा रही हूँ, थोड़ा सा बच्चे भी हेल्प करते हैं। अच्छा, ऐसे कहा जा सकता है कि जो देश विदेश के जो भी लोगों के ड्राइंग रूम है उनके घर का श्रृंगार आपकी गुड़िया बनती है? हाँ, मेरे बाहर भी मेरी काफ़ी जाती है, पहले मैंने काफ़ी बाहर माल भेजा है, लेकिन अब थोड़ा सा चाइना का माल चलने लगा तो उससे थोड़ी इसकी डिमांड भी कुछ कम हो गई है थोड़ी तो। और किस तरह से आप गुड़िया बनाते हैं? तो समय तो उसमें लगता ही लगता है, क्या जितनी मेहनत आपकी लगती है उस हिसाब से बिक पाती हैं? नहीं, उस हिसाब से पैसा देने में लोग थोड़ा सा कोताही बरतते हैं कि भाई उनको लगता है कि ये कुछ महंगी है, पर वो ये नहीं जानते कि इसमें कितना समय और कितना वो लगता है मेहनत, तो ये दोनों चीज़ों को देख कर तो उसमें इतना मेरे प्राइस भी ज़्यादा नहीं है उसमें। एक गुड़िया 3 दिन में अगर तैयार होती है, अगर वो 1200-1500 रुपए की अगर जाती है बड़ी बड़ी गुड़िया, तो उस हिसाब से तो एक लेबर की भी मेहनत नहीं पड़ती है,
इससे ज़्यादा तो लेबर वाला जो मिट्टी खोदने वाला भी वो भी ज़्यादा ले लेता है पैसे तो, लेकिन हाथ के काम में तो थोड़ा टाइम ही लगता है, टाइम उस पैसा सभी कुछ। अच्छा, जिस तरह से आपको दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था तो उसके बाद आपको कोई सहायता भी दी गई? नहीं, गवर्नमेंट से तो मैंने कोई सहायता भी नहीं ली है और वैसे भी नहीं। हाँ, मेले वगैरह जरूर मैंने किए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मेले वगैरह किए हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से वो मेरे को हेल्प मिली है थोड़ी। अच्छा, आप इसमें कोई संभावना देखते हैं? जिस तरह से लघु उद्योग होते हैं, जैसे घर में लड़कियां फुलकारी बनाती हैं या कपड़े का कढ़ाई का काम करती हैं, उस तरह से इस चीज़ को शुरू किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं है। मैंने तो काफ़ी ट्रेनिंग भी दी है इसके मामले में, काफ़ी 4-5 दफ़ा मैंने ट्रेनिंग भी दे चुकी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 15-15, 20-20 लड़कियाँ, 25-25 लड़कियाँ सीख कर जाती थी मेरे से, तो वो अपना भी थोड़ा सा बहुत व्यवसाय करने लगी, अपना भी काम करने लगी उसमें, तो थोड़ा सा उनको भी हेल्प मिली और थोड़ा व्यवसाय भी आगे बढ़ता है इससे। अब आपके साथ कौन कौन है? जैसे आप बोल रहे कि मेरे परिवार वाले भी मेरा हाथ बटाते हैं, कौन कौन है? नहीं, बेटी है, थोड़ा सा बेटी करती है, एक थोड़ा बेटा भी थोड़ा वो अपना अलग करता है और बेटी मदद कर देती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमा देवी जी। ये थी हमारे साथ रमा देवी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो कपड़े में जान डालती हैं, कपड़े की गुड़िया बनाकर लोगों को बेचती हैं और लोगों के देश विदेश के घरों की शान बनती हैं इनकी बनी हुई गुड़ियाँ। धन्यवाद।